नमस्कार दोस्तों। और काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं लैपटॉप पे लाइव आ सकूं, लेकिन कुछ इश्यूज़ के लिए मैं फिर से मोबाइल से ही कर रहा हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी मजबूरी को समझ रहे हैं और कोई इशू नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आपके सामने नज़र आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ ऑल टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आप कृपया अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर्स रॉन्ग है तो आप प्लीज़ कमेंट के बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये मूव कैसे होगा भाई अभी? यस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज। ये सवाल आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज। तो इसका जो जवाब है दोस्तों, 15 डेज आफ्टर इश्यू। मान लीजिए कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करता है तो उसके 15 दिन तक ये वैलिड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विंग्स। विंग्स एक ऐप है जिससे मुझे जो लगता है BSNL ने इसको पहले लॉन्च किया था, और ये विंग्स ऐप के जरिए आप वायरलेस कॉल कर सकते। वायरलेस गलत लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, सिमलेस कॉल, यानी आपके पास सिम नहीं होगा, बिना सिम से भी आप कॉल कर सकते हैं। ये विंग्स ऐप है, ठीक है। वायरलेस कॉल तो हालांकि आजकल हर चीज़ वायरलेस ही हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रेन 18 जो है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री शायद पेरम्बूर में है, देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, पेरम्बूर में है ट्रेन 18 की फैक्ट्री। तो इस पर थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन 18 जो लॉन्च किया गया है, और आपको बता दूं ट्रेन 18 इज़ द फर्स्ट इंजिनलेस ट्रेन। ये इंजिनलेस ट्रेन है, उसका इंजिन नहीं है, और ट्रेन 18 की जो शायद जो गति होगी 160 किलोमीटर पर आवर होगी, देख लीजिएगा दोस्तों। मैं पहले से ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन करेक्ट कर लीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक कैंडिडेट ही हूँ। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई, और एक पेरम्बूर है, और ये कपूरथला में एक कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री, और एक कौन सी जगह पे, थोड़ा कमेंट का बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो 1 person 1 car ये कौन सी सरकार ने रिलीज़ की है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसलिए रिलीज़ की है ताकि ये बेकार जो खर्च हो रहे हैं मंत्री के लिए 5-6 गाड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 person 1 car की ये नियम लागू की गई है। खर्ची पूजा ये तो त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है, और त्रिपुरा आपको तो पता होगा दोस्तों, बिप्लब कुमार देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बजट जो एलोकेशन किया गया है कि इस बार जो डिजिटल इंडिया के लिए 3073 करोड़ कुछ आपको मतलब बजट एलोकेट किया गया है, और मैं आपको बता देता हूँ दिस इज़ द डबल, ये डबल है पिछले साल के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ GDP आया था, GDP क्या होता है, डेफिनेशन ऑप्शन में ही थे तो आप वहीं से देख सकते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से डरता नहीं हूँ, ये कौन सा सरकार ने लॉन्च किया है, ये कैम्पेन है बेसिकली, ये दिस इज़ द कैम्पेन लॉन्च्ड बाय और क्रिएटेड और अवेयर बाय, मतलब अवेयरनेस फैलाने का जो काम कर रहा है वो हरियाणा सरकार कर रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के CM है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, MOPAD ये जो एक ऐप है, शायद इसको SBI ने लॉन्च किया है दोस्तों, इसका थोड़ा फुल फॉर्म मुझे बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला। ये मल्टी कुछ पेमेंट है, पी फॉर पेमेंट है, देख लीजिएगा, लेकिन मोपैड ये लॉन्च किया है SBI ने। सुलभ जल जो है ये बिंदेश्वर पाठक, मैं जितना रिकॉल कर सकता हूँ बिंदेश्वर पाठक जी ने इसको किया है, इज़ ए ग्रेट बिजनेसमैन, और ये जल से मात्र शायद 50 पैसे में आपको एक बोतल पानी मिल जाएगा, शायद ऐसा कुछ है। तो ये बिहार में किया गया, सुलभ जल सबसे सस्ता से आपको पानी मिल जाएगा, सुलभ जल, ठीक है, बिहार। माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी, ये जो जो गाड़ी वगैरह है जो चोरी हो जा रही है, तो उस पर रोक थोक करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, दैट इज़ माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है या कैंपेगौड़ा वाला है। मैंने जो टिक किया है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टिक किया है दोस्तों, तो बता दीजिएगा इसका आंसर कमेंट के बॉक्स में, ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके। नेम ऑफ अगरतला एयरपोर्ट एक आया था, अगरतला एयरपोर्ट का नाम क्या है, बीर माणिकेश्वर ऐसा कुछ है, तो अगरतला एयरपोर्ट का ये नाम है दोस्तों। अब स्वच्छ भारत मिशन ये कौन से मिनिस्ट्री में आती है, ये वाटर एंड सैनिटेशन के मिनिस्ट्री में आती है, ये सवाल एक पूछा गया था। ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो होगा ये कहाँ से मतलब शुरू की गई है, शुरू की गई है मतलब ये प्लांट बनाया गया है बेंगलुरु में,
ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। डिफेंस एक्सपो इनॉग्रेटेड कहाँ पे हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था दोस्तों। और सवाल नहीं है मेरे पास, इतना ही ख़त्म हो गया सवाल दोस्तों। तो देख लीजिएगा कि जितने सवाल मुझको मिले, एक्चुअली जब मैंने रिव्यू दिया तो तुरंत बाद मैंने बना भी दिया था ये स्लाइड्स, लेकिन तब से मैं कंप्यूटर के साथ लगा हुआ था कि यार कंप्यूटर से अगर लाइव कर सकूँ तो वो अच्छी बात हो जाती, लेकिन हालांकि मैं ये मोबाइल से ही कर रहा हूँ दोस्तों, और कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे ये मोबाइल से कर रहा हूँ, आपको पता भी चल जा रहा होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।